अरे वाह मैडम, क्या काम कर रहे हो ये आप? सर ये जो है मैं ना MRP वगैरह प्रिंट कर रही हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जो है ये अपने पाउच में ब्रांडिंग करा रखी है और इसी में जो है मैं अभी MRP और एक्सपायरी डेट वगैरह प्रिंट कर रही हूँ, वो भी बैच कोडिंग मशीन से, डिजिटल बैच कोडिंग मशीन से। क्या बात है, तो ये मतलब आपने अपने ब्रांड का छपवा रखा है? जी सर, ये हमने अपने ब्रांड का छपवा रखा है और बैच कोडिंग भी आपको करके दिखाई है। ओके, और इसके आगे का प्रोसेस क्या क्या होने वाला है? तो चलिए सबसे पहले इसके आगे का प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे आप अपना प्रोडक्ट रेडी कर, जो हमने बैच कोडिंग कर लिया है। इसी के साथ जो है यहाँ पे हमने वेट आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे सेट कर दिया, जितना आप वेट सेट करोगे उतना ही एक्यूरेट जो है आपका चावल या फिर जो भी आप चीज करना चाहते हो वो आएगा। हमने यहाँ पे चावल ले लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो चावल ही आपका वजन होके आ गया, हमने 22 ग्राम का इसमें वजन कर रखा है सेट, तो 22 ग्राम चावल जो है इसमें आ चुका है। अब चलिए इसमें जो है पैकिंग कैसे करते हैं वो करके देखते हैं। ये जो हमारी बैंड सीलर मशीन है जो हमने चालू करके रखी है, तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही इजी प्रोसीजर है, इस तरीके से जो है आपको इसको चालू करके रखना है। और साथ के साथ दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने डिजिटल बैच कोडिंग लगा रखी है जो ऑटोमेटिकली काम कर रही है, मतलब आपको हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप जब बैच कोडिंग में अपना पाउच लगाएंगे उसी में आपकी MRP प्रिंट होके आ जाएगी इस तरीके से। क्या बात है, मतलब एक बार दिखाइए मैम, यहाँ पर मतलब आपने अपने हैंडली से भी कर रखा है और एक तरीके से आपने ये ऑटोमेटिक भी कर रखा है। जी सर, ऑटोमेटिक भी कर रखा है, तो आपको दोनों तरीके की बैच कोडिंग मशीन हमारे पास मिलने वाली है। सबसे पहले तो अगर आप इस तरीके की लेना चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल होने वाला है। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल मैनुअली बैच कोडिंग मशीन, ये भी आपको अवेलेबल होने वाली है। या फिर अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, आप बहुत ही छोटी मशीन लेके मैनुअली करना चाहते हैं, तो इस तरीके की मैनुअल आपको बैच कोडिंग मशीन भी हमारे पास से मिलने वाली है। ओके, तो अगर मैम बात करें, जैसे ये सेटअप आपने मुझे पूरा पैकेजिंग का दिखाया कि यहाँ पे आप पैकिंग कर सकते हो, पूरी बैच कोडिंग कर सकते हो और यहाँ से हम चीजों को वेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें वेट कर सकते हैं, मशीन कैसे काम करती है? कोई भी राशनिंग आइटम, कोई भी आप आइटम करना चाहो, जैसे कि आपका चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, मसाले हो गए, इस तरीके से आटा हो गया, या फिर इस तरीके के चावल हो गए, अनलिमिटेड प्रोडक्ट, सरफ वगैरह हो गया, नमक हो गया, मैदा हो गया, बेसन हो गया, सूजी हो गया, मतलब इन ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आप कर सकते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, अनलिमिटेड प्रोडक्ट जो है आप इसमें वेट कर सकते हैं और साथ के साथ पैकिंग कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेट भी आपको जो है बिल्कुल एक्यूरेट आने वाला है, अगर आपने 10 ग्राम सेट किया है तो 10 ग्राम का ही चावल आपके पास आने वाला है, अगर आपने 50 ग्राम किया है तो 50 ग्राम चावल ही आपके पाउच के अंदर आने वाले हैं। ओके, अच्छा मैम बात करूं कितने ग्राम से कितने ग्राम तक का वेट कर सकते हैं? सर ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये आपका 2 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक का वजन करने वाली है। अगर आप इससे बड़ी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके की जो है आपको बड़ी मशीनें भी आपको हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी जिसका प्राइस अलग अलग होने वाला है। ओके, तो मतलब बात करें अगर वेट फिलिंग की तो उसमें आप काफी सारी मशीन्स में बनाते हैं। जी सर, काफी तरीके की आपको साइजेस के हिसाब से या फिर वजन के हिसाब से मशीनें अवेलेबल होने वाली है। स्टार्टिंग जो है आपकी 2 ग्राम से 100 ग्राम वाली मशीन होने वाली है, जिसमें अभी मैंने आपको डेमो भी करके दिखाया और बताया कि कैसे मशीन काम करती है। ओके, तो चलिए ये तो रही बात वेट करने की, अब बात कर लेते हैं पैकिंग की। जी सर, पैकिंग की मशीन जैसे कि ये हमने यहाँ पर देखी कि आप खाली पैक के साथ साथ यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो MRP वगैरह सेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। हाँ जी सर। क्या हम प्रॉपर पैकिंग मशीन भी ले सकते हैं? जी सर, आप सिर्फ और सिर्फ पैकिंग मशीन लेना चाहते हैं, प्रॉपर पैकिंग मशीन जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब कि इसमें आप पाउच की पैकिंग कर सकते हैं। और अगर आपको बिना बैच कोडिंग के मशीन चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल होने वाली है, जो कि मात्र 13,500 से हमारी कंपनी में स्टार्ट होने वाली है। और